ओके ये आ चुका है, रुको जरा। ओ नहीं 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 भाई। ओके तो हेलो दोस्तों, आ चुके एक और नए आर्क असेंडेड के एपिसोड में, तो स्वागत है गाइज आपका। तो गाइज पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मैंने 3 डायनो टीम किए थे, जो कि गाइज अपने 2 तो रेक्स थे और एक था अपना हाई लेवल का कार्नो भाई, जो कि सच में भाई बहुत ज्यादा, हालांकि मैंने ट्राई नहीं किया था बट सबसे ज्यादा हाई लेवल था, 600 लेवल का डायनो था लिटरली गाइज। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है वो डायनो गाइज, तो देख सकते हो भाई ये हैं हमारे सारे हरे हरे डायनोज, काफ़ी ज़्यादा हरियाली हो चुकी है, देख सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है ये वाला रैक्स। और ये इसका मुंह ऊपर है, पता नहीं ये सैडल लगाने के बाद ऐसा हो गया है, बट भाई ये डायनो देखो भाई कितना ज़्यादा सही दिख रहा है। तो गाइज इस चीज़ के लिए प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और गाइज अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, तो जाओ और जाके चेकआउट करो जाके वो वीडियो। और भाई इसने हग दिया है, ऐसे ऐसे मत करो भाई। तो गाइज ये है हमारा वो डायनो जो कि 899 लेवल हेल्थ हो चुकी है, और भाई ये भी हगी रहा है, छोड़ो गाइज कोई बात नहीं। तो गाइज आज हम लोग टेम करने जा रहे हैं गाइज काफी सारे डायनोस, तो गाइज मैंने सोचा है अभी हम टेम करने जाएं फ्रॉस्ट वाले डायनासोर, जो कि गाइज काफी ज्यादा सही डायनो है, हालांकि वो इनकी तरह टॉर्पर नहीं देते बट गाइज वो डायनोस को रोक सकते हैं गाइज, उनके पास ये एबिलिटी होती है गाइज, वो डायनोस को फ्रीज कर सकते हैं, जो कि भाई सच में काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलते हैं और चल के करते हैं उस डायनो को टेम और ट्राई करते हैं कि वो डायनो कैसा होता है, मेरे को पता नहीं है। तो सबसे पहले तो गाइज उसकी ट्रीट बनाते हैं, और भाई मैं काफी सारा चीज ग्राइंड करके लेके आ चुका था, अब मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ। ओके तो गाइज देख सकते हो भाई मैं काफ़ी सारा चीज़ लूट के आ चुका था, ड्रॉप्स देख सकते हो भाई, मेरे को एक इलेक्ट्रिक पॉड मिल चुका अभी गाइज, ये आई थिंक इलेक्ट्रिक शॉक देता है और ये वन टाइम यूज़ वाला है। मेरे को एक मिल चुका है अपना स्कोप, जो कि आई थिंक ये एटेक्स है शायद से, पता नहीं मेरे को। और भाई देख सकते हो मेरे को जर्की वगैरह ये सारी चीज़ें मिल चुकी, कल तो मैंने एक गोल्डन टर्की भी मारी थी और काफ़ी सारा सामान मेरे पास आ गया था। अभी एक काम करते हैं जल्दी से चलते हैं, जो भी सामान स्पॉइल वाला है ना मैं सारा कुछ इसमें रख देता हूँ, और भाई फ्रॉस्ट वाले चीज़ें बनाता हूँ और ट्राई करते हैं भाई वो चीज़ में बना पाऊँ, वो जो गोल्डन ट्रीट है ना वो मैं, सॉरी गोल्डन ट्रीट नहीं, फ्रॉस्ट की ट्रीट है ना वो मैं बना पाऊँ, बाकी ये एंगलर जेल वगैरह ये सारी चीज़ें मैं रख देता हूँ। ओके और भाई आप लोग कहते हो भाई बड़ी वीडियो बनाओ, यार बड़ी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो थोड़ा भाई वेट करो। ओके भाई मेरे को भी रिकॉर्ड करने में ये सारी चीज़ें करने में टाइम लगता है, तो भाई अगेन सॉरी भाई क्या ही कर सकता हूँ मैं। तो गाइज अभी देख सकते हो काफी सारी चीजें बना ली है, रुको एक सेकेंड, मेरे को गाइज एक इंडस्ट्रियल की ग्रिल भी मिली थी, थोड़ी दिन पहले मिल जाती तो भाई मैं इससे सामान लूट लेता, बट अब कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करता हूँ मैं इसको ग्राइंड करके अपना सामान निकाल लेता हूँ बाई चांस मेरे को। ओके मेरे को काफी सारा सामान मिल चुका है, मेरे को क्रिस्टल सीमेंटिंग पेस्ट और पता नहीं क्या क्या मिल चुका है, तो चलते ये सारी चीज इसके अंदर डाल देता हूँ और इसको मैं फेंक देता हूँ अगेन, पता नहीं क्यों उठा लिया था। और भाई देखो डायनो टेम करने की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि भाई बहुत इजी डायनो टेम हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास है पॉइजन वाला डायनो, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी सबसे पहले तो एक काम करता हूँ जल्दी से चलते गाइस, मेरे को एक और चीज़ बनानी है गाइस, मैं सोच रहा था अपने को हैचेट पिकेक्स अगर मैं बना पाऊँ ना, तो गाइस हैचेट पिकेक्स बनाते हैं, देख सकते हो गाइस ये है अपनी हैचेट पिकेक्स, और भाई सच में इसके लिए काफ़ी सारा ब्लैक पल चाहिए रहेगा, तो गाइस इनसे ये फ़ायदा होगा कि बाई चांस अगर मैं कोई डायनो मारता हूँ तो उससे मैं ज़्यादा गैदर कर सकता हूँ, तो मेरे को यार ये अपग्रेड भी करनी पड़ेगी। तो गाइस सबसे पहले तो कोशिश करता हूँ कि मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए रहेंगी, भाई इसके लिए जेनेरिक आर्टिफैक्ट चाहिए, और आर्टिफैक्ट मैं जानता हूँ गाइस मेरे को पता है कि आर्टिफैक्ट कहाँ मिलता है, तो मैं बाहर जाके ले आऊँगा, हालांकि मेरे पास ब्लैक पल कम है। तो गाइज एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हैचेट पिकेक्स बनाते हैं, उसके बाद चलते गाइज डायनो को टेम करने, और भाई काफ़ी सारी चीज़ें लगने वाली है, तो भाई सच में आगे जाके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भाई देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें तो रखी हुई हैं, बाकी सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ और अपने को चाहिए गाइज एक फ्रॉस्ट वाली केबल। ओके तो सबसे पहले तो मैं ये बना लेता हूँ, ओके आई थिंक मेरे पास कुक्ड प्राइमेट कम है, रुको जरा। तो अभी गाइस देख सकते हो मेरे पास ये सारी चीज तो बन चुकी है, मेरे पास ये बन चुका है, बट भाई मेरे को चाहिए एक ट्राइलो वाइट, जो कि भाई काफी ज्यादा गैदर कर सके, तो भाई मेरे को एक अपना ये भी चाहिए, क्या बोलते हैं अपना जेनेरिक आर्टिफैक्ट, दो चाहिए एक्चुअल में, तो जल्दी से चलते हैं जेनेरिक आर्टिफैक्ट लेके आते हैं, और भाई करते हैं हैचेट पिकेक्स को बनाता हूँ और सारी चीज़ें करता हूँ।
भाई 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 भाई, मैं यहाँ पे तो आ चुका हूँ, बट भाई ये डायनो, भाई डायनो ने भाई मेरे को बफ तो दे दिया था भाई। गाइस एक दिन ऐसा आएगा कि ये डायनोस को भाई मैं जरूर मारूंगा भाई, ओके वो दिन जरूर आएगा। और गाइस मेरे को इन दो डायनोस के नेम भी चेंज करने, तो भाई जल्दी से चलते हैं, आर्टिफैक्ट उठाते हैं, चीज़ें बनाते हैं और भाई अपने डायनोस के नेम भी डालते हैं, जो कि भाई सच में काफ़ी अच्छे नाम दे रखे हैं भाई ने। ओके जल्दी से चलते हैं और सारा काम करता हूँ मैं। वैसे आई थिंक यहीं पे होना चाहिए, बट भाई यहाँ पे तो बॉस भी है। हेलो ओके गाइज, मैं गलत आ चुका हूँ, मेरे को जाना है उस तरफ भाई, मैं गलत ही जा रहा था, रुको जरा। ओके गाइज तो मैं आ चुका हूँ अपना केव के पास, और गाइज ये है वो केव। और गाइज मेरे को नहीं पता है कि मैंने शायद से आप ये जो केव है वो मैंने आपको पिछले वाले एपिसोड में दिखाई थी कि नहीं, मतलब पिछले वाली सीरीज में दिखाई थी कि नहीं, मेरे को कंफर्म नहीं पता है, बट भाई सच में ये केव सच में बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैं आपको एक तो दिखा देता हूँ गाइज, ये है एक केव का रास्ता जिसमें भाई एक रेक्स का डमी है। अभी मेरे को नहीं पता ये रेक्स जम चुका है, बट क्या भाई सच में ये कोई, ये एक अल्फा रेक्स है, और भाई सच में बहुत ज़्यादा ही बड़ा रेक्स है भाई। अभी जल्दी से चलता हूँ मैं, वो आर्टिफैक्ट उठाता हूँ, देखते हैं गाइज मेरे को आर्टिफैक्ट मिल पाता है कि नहीं, क्योंकि गाइज कई कई जगह ऐसी होती हैं कि आर्टिफैक्ट ग्लिच रहता है, तो मेरे को आई थिंक मिले ना मिले। ओके ना ओके गाइज, तो देख सकते हो यहाँ पे आर्टिफैक्ट नहीं है, आई थिंक यहाँ पे आर्टिफैक्ट ग्लिच हुआ है, तो यहाँ पे तो नहीं है, मेरे को दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगा आर्टिफैक्ट। मोस्टली गाइज इसी जगह पे आर्टिफैक्ट होता है, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं है। ओके ना ओके गाइज, यहाँ पे घूम रहा है एक अल्फा का क्विटजल, और भाई सच में कुछ ज्यादा ही सही दिख रहा है यार अल्फा और क्विटजल। ओ भाई भाई भाई, ये गाइस बॉस डायनो है ब्रो, भाई क्या हैवी डायनो है ये। ओके गाइस ये जगह आपको तो याद ही होगी क्योंकि यहाँ पे मिलता है एक आर्टिफैक्ट, और अगर किसी को नहीं पता है तो मैं जगह दिखा देता हूँ, ये आर्टिफैक्ट वाली जगह भाई सच में ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे डायनो हो सकते हैं, मेरे को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ओके मैं यहाँ पे तो आ चुका हूँ, और गाइज मोस्टली यहाँ पे आर्टिफैक्ट मिलता है, ट्राई करके देखते हैं यहाँ कहीं मिलता है कि कहीं और मिलता है, मेरे को मोस्टली इधर ही जगह पता है इसकी। ओके गाइज मिल चुका है, ये गया एक आर्टिफैक्ट देख सकते हो। ओके गाइज ये रहा एक आर्टिफैक्ट कनिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। अभी भाई चलता हूँ जल्दी से, एक आर्टिफैक्ट उठाता हूँ। ओके गाइज एक आर्टिफैक्ट तो मिल चुका है मेरे को, भाई सबसे पहले तो यार मेरे को वो करना पड़ेगा अपना, एक यहाँ पे टेलीपोर्टर लगा देता हूँ ताकि मैं बार बार यहाँ पे आके अपना आर्टिफैक्ट उछा सकूँ। ओके चलो गाइज मैंने टेलीपोर्टर लगा दिया है, अभी चलते गाइज वो वाला एक और जो आर्टिफैक्ट होता है उसको ढूंढने, और कोशिश करते अगर वो मिल जाता है तो। भाई 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 यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डायनो है यार ये, इससे तो बच के रहना पड़ेगा भाई। कितने मिलियन हेल्थ है इसकी गाइस, 160 मिलियन हेल्थ है यार इसकी, मुझे इससे बच के तो रहना ही पड़ेगा भाई। साथ में भाई साथ में ये जो डायनोज है ना भाई, फायर के ड्रेक भाई, इनसे भी बच के रहना पड़ेगा ये भाई, लिटरली ये जो डायनो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक डायनो। ओके गाइस मेरे को एक फ्रॉस्ट का रेक्स मिल चुका है गाइस, 480 लेवल का रेक्स है भाई। गाइस तो मैं इसको टेम कर सकता हूँ भाई अभी ब्रो, मैं इसको टेम भी कर सकता हूँ। अरे तो क्या बोलते हो भाई, इसको टेम कर लूँ क्या अभी? गाइस पहले चलते एक आर्टिफैक्ट को लेना है, और उसके बाद गाइस इसको टेम कर लूँगा, रुको गाइस मैं। भाई साहब भाई एक 480 लेवल का डायनो मिल चुका है मेरे को रेक्स, और गाइस मैं सोच रहा था अपना रेक्स को ही टेम करूँ। ओके और ये आई थिंक ये दूसरी दूसरा जगह है ये गेट का, आई थिंक ये वो केव तो नहीं लग रही मुझे। ओके ये एक्चुअली वही केव है, बट मैं दूसरी जगह से घुस गया था यहाँ से। ओके ये वो जगह है,
ओके गाइज यहाँ पे आ चुका है एक और आर्टिफैक्ट, देख सकते हो गाइज ये है एक और आर्टिफैक्ट, अगर किसी को नहीं पता तो भाई मैं अगेन दिखा देता हूँ, ये है हमारा एक आर्टिफैक्ट एक और मैं यहाँ पे भी टीपी लगा देता हूँ और यहाँ पे भी इसका नाम डाल देता हूँ जल्दी से। ओके भाई चारों तरफ तो पानी है बट मेरे को दिख नहीं रहा है वो अभी तक, ढूंढता हूँ गाइज उसको। भाई इसको टेम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई अगर मिल गया ना सच में काफ़ी ज़्यादा मज़े आएंगे, काफ़ी सारे डायनोस घूम रहे हैं यार यहाँ पे। ओके गाइज ये क्या वो रैक्स, ओके मेरे को रैक्स भी दुख चुका है और भाई इसको टेम करना थोड़ा हार्ड हो सकता है। भाई साहब अगर ये रैक्स ना थोड़ा सा भी इधर उधर करेगा ना भाई मैं मर भी सकता हूँ, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे खड़े होके इसको करके देखता हूँ, ट्राई करता हूँ इधर ये हो जाए। ओके इसको पैसे भी कर देता हूँ, ये जब तक आएगा तो आई थिंक मैं इसको कर भी लूँगा, रुको ज़रा। ओके इसको लगा तो अगेन, ठीक है भाई इसको जल्दी जल्दी लग तो रहा है, जैसे जैसे पास आएगा ना। ओके अभी मेरे को इस पर चढ़ जाना चाहिए, ओके ये आ चुका है, रुको जरा। ओ नहीं 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 भाई 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 साहब गाइस पानी में इतने सारे डायनोज हैं और इसने मेरे को उतार दिया ब्रो गाइस, पानी बहुत सारे डायनोज और इसने मेरे को उतार दिया भाई। रुको भाई रुको 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 भाई इसने उतार कैसे दिया था मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, अरे क्या कर रहा है भाई साहब, भाई इसने उतार क्यों दिया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई। ओके भाई ये हो चुका है, अभी भाई मेरे को जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ये पानी में है और डूब भी रहा है धीरे धीरे से। ओके मैं ये खिला चुका हूँ इसको, चलो गाइस ये जल्दी जल्दी खा लेगा और मैं इसको कर लूँगा क्रायो, बट उससे पहले भाई कोई डायनो ना आ जाए, अगर कोई डायनो आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी यार। इसको अनफॉलो ही कर देता हूँ मैं, पैसे भी रहे भाई तू। ओके गाइज ये हो चुका है टीम भाई साहब, दे देख सकते हो भाई लोग ये हो चुका है हमारा डायनो टीम और भाई सच में कुछ ज़्यादा ही सही डायनो लग रहा है यार। गाइज अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को एक रैक्स और करना चाहिए या फिर कोई तगड़ा डायनो करना चाहिए। गाइज सबसे पहले तो मैं ढूंढता हूँ एक और, अगर मेरे को डायनो कोई मिल जाता ना तो सबसे पहले उसी को करता हूँ, क्योंकि भाई यार कितने रैक्स पकड़ूंगा भाई, मेरे पास काफ़ी सारे डायनोज हो चुके हैं। ओके ना और यहाँ पे भाई ड्रे घूम रहा है, मेरे को यहाँ से निकलना है भाई, रुको 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 मेरे को यहाँ से निकलना है। और नहीं यहाँ पे तो भाई बहुत डायनो भी है भाई, कितने सारे डायनोज घूम रहे हैं यहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा हैवी डायनो घूम रहे हैं यार। ओके गाइस तो मैं यहाँ पे तो आ चुका हूँ बट भाई देख सकते हो ये है एक बॉस डायनो भाई, प्राइमल की ब्रूड मदर है भाई, सच में 28 मिलियन हेल्थ है यार इसकी और भाई तगड़ी। ओके गाइस मेरे को एक डायनो मिला, ये कितना लेवल का है? ओके भाई ये है बैडस का फ्रॉस्ट स्पाइनो भाई, 200 लेवल का है, 200 लेवल का हालांकि ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है भाई। मैं सोच रहा हूँ इसको भी टेम कर लिया जाए क्योंकि भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है यार, क्योंकि एक अलग डायनो हो जाएगा ना मेरे पास तो वो भी अच्छा रहेगा, तो भाई सारे डायनोस को टेम करने की कोशिश करूँगा। ओके और ये आई थिंक सही रहेगी बट दिक्कत ये है कि पास में ब्रूड मदर है यार, पास में एक ब्रूड मदर है ना, ये दिक्कत कर सकती है। ओके तो भाई जल्दी जल्दी करता हूँ, यहाँ पे उतरता हूँ और हेलो। ओके ये पानी में तो कुछ नहीं हुआ इसको, ठीक है गाइस जल्दी से काम करता हूँ। ओ हेलो ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया गाइस, ओके गाइस ये पता नहीं कहाँ से आ गया था, रुको भाई इसको क्रायो करना पड़ेगा मुझे।
भाई साहब सबसे बड़ी बात ये है कि भाई पास में बॉस डायनो यार, अगर कुछ सीन हुआ ना सच में ये डायनो भाई बहुत दिक्कत कर देगा। गाइस मेरा अर्जेंट टेबल्स भी चला जाएगा, जल्दी से उठ जा भाई। एक काम करता हूँ अभी इसको क्रायो कर लेता हूँ, बाद में इसको क्रायो कर लूँगा मैं, या फिर क्रायो से निकाल लूँगा मैं, ज़्यादा होगा तो भाई मैं टीपी मार के घर भी जा सकता हूँ। ओके गाइस ये हो चुका है टीम। ओके इसकी ज़्यादा कुछ तो हेल्थ नहीं बढ़ी है भाई, 100 लेवल ही बढ़ी है। चलते गाइस घर पर जल्दी से और करते हैं इसको ट्राई कि कैसा डायनो है ये। और सच में बास में बॉस है तो मैं अलग ही सीन हो सकता है थोड़ा बहुत। ओके तो चलते जल्दी से घर पे और गाइस बनाते हैं अपने टूल्स और कोशिश करूँगा भाई मैं इसको अपग्रेड कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लग सकती हैं मेरे को अपग्रेड करने में। सबसे पहले तो भाई मेरे को अल्फा की हाइट ही चाहिए रहेगी, तो सबसे पहले काम करता हूँ मैं, वो सारी चीज़ें करने से पहले इसमें दोनों चीज़ें डाल देता हूँ और ट्राई करता हूँ कि मैं ये बना पाता हूँ कि नहीं। गाइस मेरे को ब्लैक पलौर चाहिए रहेगी। ओके तो मैं मेरे को ब्लैक पलौर लानी पड़ेगी, तो चलते गाइस जल्दी से ब्लैक पल वगैरह भी देखता हूँ। ओके उनको भी मारने की कोशिश करता हूँ, रुको जरा, पहले तो इनको मैं यहाँ खड़ा कर देता हूँ। तो गाइस ये है मेरे डायनो। अबे ये नहीं, हट, तू अंदर जा, तू अंदर जा भाई, तेरा ज़रूरत नहीं अभी। ओके तो गाइस ये है मेरा स्पाइनोसॉरस, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है यार। गाइस रेक्स से ज़्यादा मेरे को ये ज़्यादा पावरफुल लग रहा है यार। तो गाइस प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि इन दोनों डायनो में कौन सा आपको अच्छा डायनो लग रहा है। सच में गाइस मेरे को तो भाई रेक्स तो होता ही है पावरफुल, बट भाई सच में ये डायनो को चाहते ही सही लग रहा है यार। देखो भाई इनके दांत देखो यार, एकदम काले काले दांत है भाई इनके, मतलब इनके भी काले काले दांत है, बट इनके में हरे ग्रीन कलर थोड़ा आ रहा है। बट भाई भाई ग्रीन कलर से एक चीज़ याद आई भाई, हमारे भाई हैं अपने एम ए भाई, ओके मेरे को उनका नाम ढंग से नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा तो सॉरी। ओके हमारे भाई हैं एम ए मपारी भाई, उन्होंने अपने डायनोस के नाम बताए हैं, तो जल्दी से करता हूँ उनके डायनोस के नेम चेंज और फिर चलते गाइस टूल्स को बनाने। और मेरे को भाई काफ़ी सारा अपने को ब्लैक पल चाहिए रहेगा, तो मेरे को काफ़ी सारी ट्रायलो वाइट मारनी पड़ेंगी। ओके तो सबसे पहले तो यार मैं अपने अर्जेंट टेबल्स का नाम डाल देता हूँ हरिया। ओके ओके गाइस तो ये है हमारे अर्जेंट टेविस का नाम जो कि है हरिया, और भाई सच में ये एकदम। तो गाइज अपने दूसरे रेक्स का नाम डाल देता हूँ मैं अपना ग्रीन लांटेन, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा सही नेम है ये भी। ओके तो गाइज ये है हमारा ग्रीन लांटेन, और प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ये दोनों नाम आपको कैसे लगे, और अपने इस रेक्स का और अपने कारनों का भी नाम बता देना भाई, और इन दोनों के तो डेफिनेटली भाई बताना प्लीज़। ओके तो गाइज चलते, काफ़ी सारे डायनोज हो चुके, तो गाइज देख सकते हो धीरे धीरे हमारे डायनोज की तादाद बढ़ती जा रही है और ऐसे ही एपिसोड की तादाद बढ़ती जाएगी। तो गाइज एपिसोड बढ़ते जाएंगे तो प्लीज़ लाइक करो, मोटिवेशन मिलता है यार इससे, तो प्लीज़ लाइक ठोक देना। और अभी चलते गाइज काफ़ी सारे ट्रायलोबाइट मार रहे हैं, उनसे मिलेगा मेरे को ब्लैक पल। कोशिश करते गाइज काफ़ी सारे डायनोज में मार पाऊँ। ओके ना सबसे पहले तो भाई मैं पास आया और ये डायनो एग्रो हो गया यार, ये गलत चीज़ है भाई। तो गाइज मेरे को काफ़ी सारे डायनोज ढूंढने पड़ेंगे फिलहाल तो यहाँ पे। ओके ओके भाई मेरे को यहाँ कहीं ढूंढनी तो पड़ेगी, अगर बाई चांस मेरे को मिल जाती है। मोस्टली गाइज अपने आइलैंड पे ही काफ़ी सारे ट्रायलोबाइट हैं, जैसे कि मैंने बोला भाई काफ़ी जल्दी इजी मिल जाएंगी मेरे को ट्रायलोबाइट, और मेरे को भाई पहले ट्रायलोबाइट मिल भी गई है, बट गाइज इनसे वही है कि इनसे कम मिलेगा सामान, ठीक है ना, मेरे को और ढूंढनी पड़ेंगी अगर मेरे को मिलती हैं तो। तो गाइज ये है मेरी हैचेट, और भाई सच में इसको ग्राइंड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और सच में गाइज ये बहुत ज़्यादा ही ओपी है। हालांकि मैंने इसको अपग्रेड नहीं किया है, ये ठीक ठाक फार्म करके दे दे रही है, और सच में यार गेम साउंड कुछ ज़्यादा ही है। एक काम करता हूँ, रुको गाइज गेम साउंड को थोड़ा कम करता हूँ। ओके गाइज अभी ठीक है, अभी देख सकते हो गाइज ये है मेरी हैचेट और काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है भाई। प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ये हैचेट आपको कैसी लग रही है। गाइस मैं पिकैक्स नहीं बना पाया क्योंकि भाई पिकैक्स के लिए मेरे पास सामान नहीं है, मैं ऑफलाइन में थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग करके इसके लिए ये भी सारी चीज़ें कर दूंगा। देख सकते हो गाइस मेरे पास 65 है अपना ब्लैक पल, और गाइस मेरे को चाहिए 300, तो गाइस बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहेंगी। हालाँकि जेनरिक आर्टिफैक्ट मेरे पास है अभी गाइस, आई थिंक इसको अपग्रेड करने के लिए मेरे को अगेन जेनरिक आर्टिफैक्ट चाहिए रहेगा, रुको। ओके गाइज इसके लिए अगेन 300, ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए रहेंगी, तो इसको तो मैं बाद में ही सारी चीज़ें करूँगा। तो चलो गाइज़ आज के इस एपिसोड में इतना ही, आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ गाइज लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि ये दोनों जो डायनो हैं ये आपको कैसे लगे। गाइज़ ये तो हाई लेवल डायनो है, बट मेरा स्पाइनो इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, बट भाई काफ़ी ज़्यादा सुंदर डायनो है,
तो इसके लिए प्लीज़ गाइज सपोर्ट करो, लाइक करो, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को भी प्लीज़ प्रेस करना ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग एपिसोड्स मिल सके। तो चलो गाइज आज एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड नमस्ते।